हेलो नमस्कार, मैं अमित आयरन और आज द खबरदार न्यूज में हम एक स्पेशल स्टोरी जो कवर करने निकले हैं। आप बहुत दिनों से एक विवाद काफी दिनों से एक विवाद मीडिया में और सदन में छाया हुआ है, राहुल गांधी द्वारा जो हिंदुत्व के ऊपर एक टिप्पणी की गई है। आज हम आम पब्लिक से और भोपाल की पब्लिक से उसके विषय में बातचीत करेंगे और उसका पक्ष जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो कितने सहमत है राहुल गांधी जी की राय से। आइए बातचीत करते हैं। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते अभी, बाकी तो हिंदू अगर उग्रवादी होता है या कुछ होता है ऐसा तो आज इतना वो नहीं होता। आज उन्हें हिंदू शब्द यूज करा है ना कि उन्हें ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा के, या उन्हें बोला हिंदू हिंसा करता है और वो लोगों को डराता है। तो आप हिंदू हिंसा करता है या डराता तो आज हिंदू राष्ट्र बन गया होता, बन गया होता ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इनकी मन की धारणा है, ये चाहते ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हो या हिंदू कुछ आगे बढ़ पाए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और यहाँ पर कभी किसी सरकार ने इस तरह की अवधारणा नहीं रखी है कि हम हिंदू राष्ट्र की बनाएंगे, हिंदू को ही महत्व देंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको इस विषय में? बस यही चीज है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बन जाता अगर हिंदू उग्रवादी है कुछ भी होता है ऐसा, तो अभी तक तो इधर पे ये लोकतंत्र चलता ही नहीं। कितने सहमत हैं आप भाई साहब की बात से जो भाई साहब बोल रहे हैं? मैं भी भाई साहब की बात सुन रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या सीट हारने को लेकर बार बार ही कहा जा रहा है कि बीजेपी राम को लाए थे, राम का नारा देखे ने बाद भी अयोध्या सीट हार गए, तो क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, आपको शायद मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सही जानकारी नहीं है। मुझे जो जानकारी है कि फैजाबाद जो सीट लोकसभा बनाई गई है, अयोध्या से भरपूर 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 भाजपा को वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को वहां से इतने वोट मिले, वो सीट हम हारे नहीं। मतलब हम पांच विधानसभा सीट है उसमें अयोध्या, वो अयोध्या जो सीट है वो भाजपा जीती है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ अयोध्या में काम नहीं किया है। लेकिन क्या होता है कि जातिवाद की जो समस्याएं हर जगह है, तो आज की हमारी जो परिपाटी चल रही है, जो बात चल रही है, वो सिर्फ जातिवाद को लेकर चल रही है। जातिवाद के चक्कर में देश पिछड़ रहा है। आप यादव हैं, मैं राजपूत हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, फलाना ये है फलाना ढिमका, इसमें आदमी विकास की बात नहीं कर रहा, जबकि विकास विकास हर जगह है। और आज का हमारा हिंदुस्तान का युवा या कोई भी सब्जेक्ट कोई भी पढ़ता है जिससे उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको सरकारी नौकरी चाहिए। हम क्या चाहते हैं, भारत की जनता के युवा और भारत के परिवार के लोग क्या चाहते हैं? सरकारी यानी विकास, सरकारी नौकरी यानी विकास, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। वो भैया सरकारी नौकरी लग गई तो मैं आराम करूंगा, बस मेरा परिवार संतुष्ट हो गया, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। बीच में काट रहा हूँ, सरकारी नौकरी यानी अलाली का अड्डा, मैं मुझे अतिशोक्ति नहीं है, मेरे घर में भी सरकारी नौकरी में लोग हैं और भी मेरे मित्रों मित्र सरकारी नौकरी में, मेरे साथ के भी लोग सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी है ना पाजाना या ना आराम की कुर्सी पकड़ लेना। क्या लगता है आपको आने वाले समय में देश की राजनीति के लिए जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, जातिवाद ही इस देश को बर्बाद करेगा, जबकि विकास और आर्थिक स्थिति होना चाहिए। मैं आपसे भी वैसे इसी विषय में पूछा, आपको क्या लगता है ये मुद्दा? अभी हम जहाँ स्टार्ट हुए थे, हम राहुल गांधी जी के बयान से स्टार्ट हुए थे जो जातिवाद तक मुड़ गया है, आपको दोनों विषय में क्या लगता है? नहीं, जातिवाद तो एक मुद्दा है ही, बहुत बड़ा मेजर मुद्दा है और ये पूरे देश में है अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में है। और जहाँ तक लग रहा है कि जो अयोध्या में जो हारे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण भी है, और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद अयोध्या के लोग शायद नाराज हों, देखो जिनकी जमीनें ली गई, दुकानें हटाई गई, घर तोड़े गए। लेकिन ये तो हमारे यहाँ इंदौर उज्जैन में भी हुआ है, जब महाकाल लोक बसाया गया था काफी हिस्से को डैमेज किया गया, लेकिन ये एक विकास के लिए बहुत जरूरी था। आज लाखों की जनता जब अयोध्या में आएगी तो वो गलियां उनके लायक नहीं थी, तो इसलिए वो जरूरी था। मध्य प्रदेश सरकार जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव है और यहाँ पे जो चीजें बोली जाती है वो होती है। चलिए इस विषय में तो मध्य प्रदेश सरकार सुनेगी तो धन्यवाद। बिल्कुल 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 ऐसा है और इसके कारण ही मध्य